आज हमारा काफिला आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में, जिसे काशी या वाराणसी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बनारस विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है, साथ ही हिंदू धर्म में इसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। भारत का शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्ला खां। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी यहीं की। इस तरह से बनारस की कई पहचान है जो इसे अलग शहर की श्रेणी में रखती है। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी ये शहर पीछे नहीं है। यहाँ मुख्य तौर पर गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन में अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, चना, मटर, तिलहन में राई और सरसों, मसाला फसलों में हल्दी और मिर्च शामिल हैं। हमारा देश अपनी अलग अलग संस्कृति और खान पान के लिए जाना जाता है। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको एक अलग ही स्वाद मिलेगा। फिर तो बनारस के कहने ही क्या। बनारस की सुबह की शुरुआत है मंदिरों में बजती घंटियां और घाट पर मिलने वाली जलेबी, लौंगलता, कचौड़ी, ठंडाई जैसे तमाम खाने पीने की चीजें। स्वाद ऐसा कि अगर एक बार खा लिया तो बार बार खाएंगे। लेकिन यहाँ के खाने में एक बात खास है और वो है सब्जियों का बेहतर इस्तेमाल। छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े रेस्तरा में भी सुबह सुबह कद्दू या आलू की सब्जी और पूड़ी मिल जाएगी। उस पर भी तरह तरह की चटनियाँ स्वाद को कई गुना बढ़ा देती हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बनारस की थाली बिना सब्जी के अधूरी है। दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 212.91 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 में 209.14 मिलियन टन था। उत्पादन के साथ बढ़ती खपत के आंकड़ों ने किसानों के सामने खेती के कई विकल्प खोले हैं। यही वजह है कि किसान सब्जी फसलों के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे किसानों की जी तोड़ मेहनत और कृषि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन रहा है। एक ऐसा संस्थान जो इस क्षेत्र में नवीन अनुसंधान करके किसानों की मुश्किलें आसान कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी यानी IIVR वाराणसी की। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, जो विगत 33 साल में भारतीय सब्जियों में जो हमारी जो देशीय सब्जी और अपना जो सब्जी है उसके बारे में बहुत सारे शोध प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो संस्थान है उसमें तीन प्रमुख विभाग है, जो कि जो क्रॉप प्रोडक्शन, उसके साथ साथ क्रॉप इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शंस की जितनी तकनीकी जो है वो उपलब्धि करा जा रहा है। अभी जो बात करते हैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है शोध करना, उसके साथ साथ पूरे देश में जो 60 सेंटर्स हैं हमारे सब्जियों में, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके रिसर्च के माध्यम से बहुत सारे वैरायटी और टेक्नोलॉजी उपलब्धि कराना है। सब्जियों के महत्व को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने योजना समन्वय हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान IARI नई दिल्ली में वर्ष 1971 में सब्जी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRPVC की स्थापना की, जो सब्जी फसलों पर अनुसंधान गतिविधियों की निगरानी करे। सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए 1986 में AICRPVC का दर्जा बढ़ाकर परियोजना निदेशालय सब्जी अनुसंधान PVDR कर दिया गया। उत्तर पूर्वी मैदान प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। PVDR का मुख्यालय 1992 में वाराणसी में स्थानांतरित कर दिया। देश में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने और 1999 में वाराणसी में एक पूर्ण भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान
IIVR की स्थापना की गई। करीब 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। मौजूदा समय में ICAR IIVR के पास कुल मिलाकर 42 सब्जियों पर अनुसंधान कार्यक्रम हैं, जिनमें सोलानेसियस सब्जियों में टमाटर, बैगन और मिर्च मुख्य हैं। फलीदार सब्जियों में मटर, फ्रेंच बीन और लोबिया। क्यूसीफेरस सब्जियों में फूलगोभी और पत्ता गोभी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेला, लौकी, कद्दू, परवल, खरबूजा, लौकी, स्पंज, लौकी तुरई और ककड़ा। जड़ वाली सब्जियों में मूली और गाजर मुख्य है। यहाँ हर उस पहलू पर अनुसंधान किए जा रहे हैं जिनमें ये प्रभाग मुख्य हैं। संस्थान के मुख्य प्रभाग सब्जी सुधार प्रभाग, सब्जी उत्पादन प्रभाग, सब्जी संरक्षण प्रभाग और चौथा AICRP। आइए अब जानते हैं इन प्रभागों में होने वाले काम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सब्जी सुधार प्रभाग के बारे में। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य सब्जी फसलों में होने वाले रोगों बीमारियों को कम करना और पैदावार में इजाफा करना है। इसके लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वैश्विक स्तर की आणविक व पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला है, जिसके माध्यम से फसलों में आणविक स्तर पर फसल के गुणधर्म में सुधार किया जाता है। लैब में विशेषज्ञ जैविक समस्याओं जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक, कृमि से होने वाले नुकसान के कारणों को खोजते हैं, जिससे प्रतिरोधक किस्में उन्नत की जा सके। इसके लिए पराजीनिक विकास जैसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ है फसल में कीटनाशकों के प्रयोग में कमी लाई जाती है, जैसे टमाटर में होने वाला झुलसा रोग। ये टमाटर में होने वाली एक आम बीमारी है जो कि कवक अल्टरनेरिया सोलोनी से होता है, जो फसल को हानि पहुंचाता है। इसके निवारण के लिए टमाटर में अंतरजातीय संस्करण कराकर संकर किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें झुलसा रोग के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता लाई जा सके। इन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलते हैं प्रधान वैज्ञानिक के पास। हम सब्जियों में बेसिकली एबायोटिक अबायोटिक स्ट्रेसेस पे ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। एबायोटिक बायोटिक स्ट्रेसेस के जो ज़्यादा मेजर इश्यू क्लाइमेट जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट्स वर्क आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा लैब पूरा ये काम करता है। और ट्रांसजेनिक, इससे रिलेटेड ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करने के लिए भी हम कार्य करते हैं। और साथ ही साथ में जो जीन, जो प्लांट के अंदर जीन अवेलेबल है, नेचुरली प्रेजेंट है, जो रोधक क्षमता डेवलप करता है किसी भी विषाणु, जीवाणु या फंगस के अगेंस्ट में, या इवन ड्राई स्टेट में, या इवन सॉल्ट, हाई सॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी पौधों के अंदर खुद से भी अपनी एक क्षमता होती है टॉलरेंस देने की, उसको भी हम कैरेक्टराइज करने की यहाँ करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे TY जीन्स को हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ प्लांट के अंदर में, जो वायरस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बनाए, गोल्डी मसाले। जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। संस्थान का सब्जी सुधार विभाग इस समय 20 प्रमुख और 22 अल्प प्रचलित सब्जियों पर शोध कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य सब्जियों की मुक्त, परागित या संकर किस्में विकसित करना है। इसमें बढ़िया पैदावार के साथ फसलों की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करना है। जैसे संस्थान का सब्जी सुधार विभाग टमाटर में पर्ण कुंचन बीमारी, पछेती झुलसा, जड़ गांठ सूत्र कृमि, मिर्च में पर्ण कुंचन, भिंडी में येलो वेन मोजेक वायरस, कद्दू वर्गीय सब्जियों में पाउडरी
व डाउनी मिल्डयू दलहनी सब्जियों में गोल्डन येलो मोजेक वायरस, जिसमें गुणवत्ता युक्त उपज मिले और इनका प्रसंस्करण व भंडारण लंबे समय तक किया जा सके। वर्तमान में विभाग के वृहद 8 घरेलू परियोजना 18 बाह्य परियोजनाएं चल रही हैं। यह विभाग ऐसा विभाग है जहां हम 42 सब्जियों पर विभिन्न तरह की कैसे प्रजातियां निकाली जाएं उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। इन प्रजातियों के विकास में हम दोनों तकनीकों को प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी हैं जैसे मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग्स हैं, जैसे आपके इस के आधार पर भी हम विभिन्न तरह की प्रजातियां का विकास कर रहे हैं। और इन प्रजातियों के विकास के बाद जो प्रजातियां संस्तुत दी जाती है उन प्रजातियों के बीज का उत्पादन किया जा रहा है। इस समय हमारे इस संस्था विभाग से 124 प्रजातियाँ विकसित की गई हैं और इसमें हम लोग कई तरह की चरित्र के लेके चल रहे हैं। कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो कि विभिन्न बीमारियों के में प्रतिरोधता पाई जाती हैं, कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसमें क्वालिटी पर किया जा रहा है। लैब में कुछ काम ऐसे होते हैं जो मोटे तौर पर समझाए जा सकते हैं। ये काम आणविक स्तर पर पौधों के डीएनए व आरएनए से संबंधित होते हैं जो कि ब्रीडिंग लैब में संपन्न होते हैं। ये हमारे संस्थान की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की लैब है। यहाँ पे हम पौधों का नई वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स का डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं और साथ में कुछ ऐसे जीन्स जो हम लोग अपने लैब फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्रॉसिंग करके प्लांट्स में डालते हैं, उन जीन्स का स्पेसिफिकली परीक्षण यहाँ किया जाता है। उनकी पुष्टि की जाती है कि उन जीन्स की उपलब्धता है कि नहीं है और उस पुष्टि के बाद उसके साथ हम फील्ड में उस पौधे का क्या प्रभाव हो रहा है ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। पौधों की बढ़वार के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं। कुछ शोध में ये भी पाया गया है कि पौधे वातावरण के तनाव को भी महसूस करते हैं, जिसका असर पौधों की आंतरिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर पड़ता है। और इन्हीं पर अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर डीपी सिंह। वो बताते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में उत्पन्न मेटाबोलिक अनियमितताओं का अध्ययन करके ऐसे खास मेटाबोलाइट व प्रोटीन की पहचान का प्रयास किया जा रहा है जिनका सीधा संबंध तनावों की रोकथाम से है। वर्तमान में तेजी से उभरते इस विधा को मेटाबोलोमिक्स प्रोटामिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं पौधों में जो जैविक और अजैविक तनाव होते हैं और वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार पौधे तमाम तरीके के रोगों से और उसके साथ साथ में तमाम तरीके के जैसे उच्च तापमान है और बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनसे रूबरू होते हैं वातावरण में, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे पौधों में एक तनाव डेवलप होता है और उस तनाव को झेलने के लिए ख़ास तौर से जो तमाम तरीके के मेटाबॉलिक चेंजेस पौधों में हो रहे हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम लोग मेटाबोलोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की जो ओमिक्स रिलेटेड तकनीकियां हैं उनका इस्तेमाल करके और किस तरीके के बायोकेमिकल चेंजेस पौधों में हो रहे हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। खास तौर से जो बायोमार्कर मेटाबोलाइट्स हैं और बायोमार्कर प्रोटीन्स हैं उनकी पहचान की जा रही है। अब रुक करते हैं फसल रक्षा प्रभाग यानी क्रॉप प्रोटेक्शन लैब का। हमारी मुलाकात इस विभाग के ऐसे वैज्ञानिक से हुई जिन्होंने सब्जी फसलों के लिए टीका या कहें बायो एजेंट बनाया है। हमारी प्रयोगशाला में एक्टिनोमाइसीड्स नाम के जीवाणुओं को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है। अभी तक इन जीवाणुओं का उपयोग विभिन्न तरह की एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में हो रहा था जो कि हम लोग प्रायः अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। अब इन जीवाणुओं का उपयोग हम पेड़ पौधों के लिए भी कर रहे हैं और इन्हीं जीवाणुओं को यूज़ करके बायो एजेंट जिसे हम पौधों का सब्जियों के टीके के रूप में विकसित कर रहे हैं और इन टीकों का उपयोग सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने में और उनके विभिन्न तरह के रोगों को नियंत्रित करने में किया जा रहा है। खेत में होने वाली सब्जियों में कीट जनित समस्याएं आमतौर पर हवा पानी और मिट्टी से होती हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में इस संबंध में सब्जी फसलों में मिट्टी जनित रोगों के लिए मुख्य कारणों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से
ट्राइकोडर्मा पर बीते कई वर्षों से शोध कार्य चल रहा है। इस संस्थान में ट्राइकोडर्मा की कई प्रजातियों को सब्जी के जड़ तंत्र से निकालकर शोध कार्य के उपरांत जड़ गलन, तना गलन, उकटा, पट्टा, फल गलन जैसी बीमारियों में प्रभावशाली माना गया है। ये कैसे काम करता है और इसकी पहुंच किसानों तक कैसे सुलभ की जा रही है, आइए जानते हैं प्रधान वैज्ञानिक से। इस संस्थान में विगत कई सालों से ट्राइकोडर्मा पर रिसर्च किया जा रहा है, जो जैविक विधि की एक फंफूद है, और ये बड़ी अच्छी एक बायो कंट्रोल एजेंट है, जिसमें कि हमारे जो सब्जियों में लगने वाले जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं, जैसे कि टमाटर में या बैंगन में जो नर्सरी में आर्द्र गलन लग जाती है, या जड़ सड़न है, तना सड़न है, या पौध गलन है, या उठा रोग है, ये सभी बीमारियां मिट्टी जनित बीमारियों से आती हैं, और इन बीमारियों को रोकने के लिए जो केमिकल विधि है वो कारगर नहीं है, लेकिन जो जैविक विधि के अंदर हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं वो बहुत ही कारगर है। और इसके साथ ये एक बड़ी खूबी है कि ये हमको मिट्टी में डालना पड़ता है, मिट्टी में डालने के लिए जितना ही जीवांश की मात्रा अधिक होगी ये उतना ही ज़्यादा कारगर होगा। वर्तमान में पादप सुरक्षा विभाग में 6 आंतरिक शोध परियोजनाएं चल रही हैं, जो सब्जियों के विभिन्न कीट रोगों, सूत्रकृमियों, विषाणुओं व जीवाणुओं से संबंधित है। हमारा यह विभाग सब्जियों में फसल सुरक्षा के ऊपर काम कर रहा है। हमारे विभाग में लगभग 13 साइंटिस्ट्स दिन रात लगे हुए हैं, और हमारी अंदरूनी 6 शोध परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें हम लगातार जीवाणु जनित, विषाणु जनित, सूत्रकृमि जनित तथा विभिन्न प्रकार के कीटों से जो रोग हमारे सब्जियों में होते हैं उनके कारगर नियंत्रण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि हम सुरक्षित सब्जियों का उत्पादन कर सकें जिसमें कीटनाशकों के अवशेष कम से कम मात्रा में रहें। सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बनाए, गोल्डी मसाले। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। फसलों में कीट व रोग नियंत्रण के लिए कितना छिड़काव करें और छिड़काव कब करें, इस पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों में संपादन के लिए कीटनाशक अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी के फसल रक्षा विभाग में स्थित है। प्रयोगशाला में सब्जी के कृषि योग्य भूमि में सुधार के लिए हानिकारक कीटनाशक अवशेषों की मात्रा की सही पहचान की जाती है। कीटनाशक एक रासायनिक पदार्थ का मिश्रण होता है जिसका उपयोग कीटों को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन कीटनाशक के छिड़काव के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अवधि सीमा से पहले फसल की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। फसल पर कीटनाशक के छिड़काव की बात उसके नाशक के अवशेष फसल पर कितने दिनों तक रहते हैं या रूपांतरित होकर किसी अन्य विषाक्त रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसका पता लगाने के लिए कीटनाशक अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला के माध्यम से हानिकारक अवशेषों का पता लगाते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से 2 विधियां अपनाई जाती हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी LC-MS-MS। दोनों विधियों को बेहतर ढंग से समझते हैं कृषि वैज्ञानिक से। यहाँ IIBR में हम लोग जो सब्जी है उसका कीटनाशक का अवशेष का विश्लेषण करते हैं इस लैब में। तो ये जो सब पेस्टिसाइड जैसे जो एनालिसिस है ये सिर्फ IIBR का नहीं, हम लोग बनारस का डिपार्टमेंट मार्केट से वेजिटेबल सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसका उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड है, कितना कीटनाशक है, कितना मात्रा में है, कौन सी पेस्टिसाइड है, वो हम इसी लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं और
एक मात्रा के ऊपर है तो वो सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो किस मात्रा में है वो भी हम यहाँ बताते हैं। संस्थान के नाम ग्राफ्टिंग तकनीक का श्रेय भी हासिल है। बैगन की जड़ पर टमाटर उगाने की तकनीक की खोज बीते वर्ष में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ही की थी। साल 2019-20 में ग्राफ्टिंग विधि से एक नए तरह के पौधे का आविष्कार किया गया, जिसमें बैगन और टमाटर एक साथ पैदा होंगे। इस पौधे में बैगन के मूल वृत्त C111056 पर टमाटर की काशी अमन किस्म और बैगन की संकर किस्म को ग्राफ्टिंग से तैयार किया गया। इस पौधे की खासियत ये है कि कम से कम स्थान में इससे दोनों फसल का लाभ एक साथ ले सकते हैं। पिछले 4-5 सालों में ग्राफ्टिंग का वर्क जो है यहाँ तेजी से चल रहा है और ग्राफ्टिंग पे कई हम लोगों ने टेक्नोलॉजी विकसित की है। जैसे जल भराव की स्थिति में भी आप टमाटर का उत्पादन कर सकते हैं, या एक साथ टमाटर और बैंगन दोनों, या नीचे आलू ऊपर टमाटर, इन पर जो है हम लोगों ने काफ़ी सफलता प्राप्त किया है, जिसका हम लोगों ने उस पर काफ़ी कुछ अवार्ड भी मिले हैं। तो हमने जाना कि संस्थान किस तरह से शोध कार्य कर सब्जी फसलों को एक सुरक्षात्मक कवच देने का काम कर रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारतवर्ष में बागवानी फसल जैसे फल, सब्जी, फूल, मसाले इत्यादि का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान में चीन के बाद भारत सब्जियों के उत्पादन में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। साल 2021 में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार सब्जियों का उत्पादन 204.84 मिलियन टन, लगभग 10.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से किया गया, जो कि कुल बागवानी उत्पादन का लगभग 60% है। बागवानी फसलों के कुल उत्पादन में ये पिछले साल की तुलना में करीब 2.3% की वृद्धि है। उपज बढ़ाने के साथ साथ सब्जियों के उचित उपयोग और उनकी तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और उनके मूल्य संवर्धन पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम लोग काफ़ी नई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट देखते हैं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स देखते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, संवर्धन प्रोसेसिंग करके और किस तरह से हम लोग उन चीज़ों को फ्रेश की तुलना में, ताज़ी सब्जियों की तुलना में ज़्यादा दिन तक भंडारित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ताज़ी सब्जियों को देखेंगे तो वो मुश्किल से 3 दिन, 4 दिन या 6-7 दिन रख सकते हैं आप। कोई भी सब्जी हो, स्पेशली कोल्ड टेम्परेचर और कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर जब आप प्रोसेसिंग कर देते हैं और उस चीज़ का अगर आप ड्राइंग करते हैं या सॉस, केचप, तो उसका मार्केट और प्रॉफिट उससे काफ़ी गुना बढ़ जाता है, साथ ही उसकी जो भंडारण अवधि है वो काफ़ी बढ़ जाती है। IIVR वाराणसी एक ऐसा संस्थान है जो सब्जी फसलों के क्षेत्र में आने वाली तमाम समस्याओं का हल निकालने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संस्थान का उद्देश्य सब्जी फसलों में गुणवत्ता को बढ़ाना और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है। इस संदर्भ में संस्थान ऐसी कई तरह की किस्मों को लेकर आए हैं। किसान इन शोध कार्यों को बारीकी से समझने के लिए लैब का रुख कर सकते हैं और वैज्ञानिकों की मेहनत को जान सकते हैं। IIVR वाराणसी के संबंध में जानकारी अभी बहुत कुछ बाकी है। यदि आपके पास है हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव तो हमें भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है shreshthsansthan.ddkisan@gmail.com। आगे की जानकारी के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अगले सप्ताह इस सफर को आगे बढ़ाएंगे, संस्थान को एकत्रित किए गए ज्ञान को आप तक पहुंचाएंगे। अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही।